दोस्तों मैं अखिलेश पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके मैथ फॉर यू पे। आज के वीडियो में हम जो टाइम एंड वर्क था उसी को कंटिन्यू करके आज पार्ट टू करेंगे। पार्ट वन में हमने बेसिक देखा था, इसमें हम देखेंगे कुछ लोग काम करते हैं, दोनों साथ में काम करते तो कुछ छोड़ के चले जाते हैं, तो जो अकेला काम करता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर और बीच में छोड़ के चले जाते तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दे। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, ए कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन कम्प्लीट सेम वर्क इन 25 डेज, इफ दे स्टार्ट टुगेदर वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज बी लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश। मतलब क्या, ये किसी काम को जो जो हमें दिया, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे। तो क्या दिया है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है, राइट। अब दोनों का हम एलसीएम निकाल लें, हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है, अब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, राइट। तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, सिंपली अगर ये दोनों का एलसीएम जो बड़ा नंबर रहता है इसमें हम वो नंबर देखते हैं जो दोनों से डिवाइड होते, इसका एलसीएम सिंपली कितना आ जाएगा, 100, राइट। और सिंपली अब इसकी इफिशेंसी निकालेंगे, इफिशेंसी क्या होता है हमारे पास, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली ये 5 आ जाएगा, एरिया हमारे पास 4 है, ये 5 कैसे आया, 100/20 किया तो 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 100/25, तो सिंपली हमारे पास 4 आ जाएगा, राइट। तो ये इतना 5 और 4 आ गया, राइट। तो ये हमारे पास, ये क्या था हमारे पास, टोटल वर्क था, ये क्या था हमारे पास, टाइम और नंबर ऑफ डेज दे रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ डेज जो ले रहे कंप्लीट करने में वर्क, राइट। और ये क्या था हमारे पास, इफिशियंसी। अगर हमसे पूछा होता दोनों मिलके काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे तो हमारा कहानी इधर ख़त्म हो जाता, राइट। लेकिन यहाँ पर इसने एक ट्विस्ट कर दिया, दोनों ने काम साथ में किया लेकिन 5 दिन करने के बाद भी छोड़ दिया, राइट। तो दोनों ने 5 दिन में दोनों ने कितना काम किया होगा, राइट। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट करेंगे, इसकी इफिशियंसी 5 है, इसकी इफिशियंसी 4 है, तो दोनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट करेंगे। और दोनों ने मिलके साथ में कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, तो टोटल कितना दिन काम यूनिट काम करेंगे, वो 45 यूनिट काम करेंगे, राइट। तो 45 यूनिट तो दोनों ने कर दिया, राइट, दोनों ने कर दिया, कितने में से, 100 में से तो दोनों ने 45 कर दिया, बच गया कितना, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना था, 100, उसमें से ख़त्म कितना हो गया है, 45, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 55। ये 55 जो आ गया हमारे पास, ये कौन करेगा, ये 55 भी तो चला गया, उसको छोड़ दिया, उसको कुछ काम आ गया, अर्जेंट आ गया तो चला गया। अब ये जो काम है वो कौन करेगा, ये मतलब जो अभी हमारे पास टोटल वर्क में से इतना वर्क बचा है ये किससे हम कराएंगे, ए से कराएंगे। तो ये हर दिन में उसकी क्षमता क्या कहने, वो एक दिन में 5 यूनिट काम कर देता है, राइट। तो इसे 55 यूनिट कितने दिन में करेगा, 11 दिन में कर देगा, राइट। तो सिंपली हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या इधर लिखेंगे, डे टेकन बाय ई, ये को कितना दिन लगेगा, 55/5, तो सिंपली 11 डेज काम लगेगा, राइट। लेकिन यहाँ तो 11 आ गया, क्या ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वुड बी फिनिश, मतलब पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 5 दिन तो इसने कर लिया और 11 दिन ये ने कर लिया, तो टोटल काम हमारा जो होगा 16 दिन में फिनिश हो जाएगा, राइट। अगर हमसे ये पूछा होता इन हाउ मेनी डे टेकन बाय ए आफ्टर लिविंग बी, मतलब बी को जाने के बाद ए को कितने दिन काम करने में लगेंगे, तो उसको लगेंगे ये 11 डेज, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसने ट्विस्ट कर दिया, इसलिए इसको टोटल वर्क को कितना दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा। आई होप आपको समझा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो दोस्तों ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है,
A and B do piece of work in 45-40 days. They begin to do work together, but A leaves after some days. Right? B completed the remaining work in 23. मतलब जो काम बच गया उसको तेज दिन में कर दिया. तो after how many days A left the work? मतलब A ने कितने दिन पहले काम छोड़ा था? पिछले क्वेश्चन में था, बता दिया था ये 5 दिन में छोड़ के जा, B 5 दिन में छोड़ के जा. इसमें डायरेक्ट बताया है कि जो B है जो छोड़ के गया उसके बाद 23 दिन में काम कंप्लीट किया. तो A को कितने दिन पहले छोड़ा था वो हमें फाइंड कर. सबसे पहले हमें जो दिया है ए को 45 डेज लगता है, बी को 40 डेज लगता है. ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका एलसीएम 360 आ जाएगा. कैसे? सिंपली एलसीएम मेथड से निकालेंगे तो 360 आ जाएगा. 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 360. राइट? तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया. अब हम इसकी इफिशियंसी निकालेंगे. अरे तो इसकी इफिशियंसी कितना आ जाएगा? सिंपली हमारे पास 8 और इसका आ जाएगा हमारे पास 9. तो ये क्या आ गया हमारे पास इफिशियंसी? ये क्या था हमारे पास? टोटल वर्क. ये क्या था हमारे पास? टाइम. ये हमारे पास टाइम था. राइट? अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? ये तो छोड़ के चला गया, कितने दिन पहले गया हमें पता नहीं. इधर क्या है, बी ने जो काम है कंप्लीट किया कितने दिन में? 23 दिन में कंप्लीट किया है. चलो हम सिर्फ बी को कंसीडर करते हैं. बी ने 23 दिन में काम कंप्लीट कर दिया. राइट? तो बी ने कितना यूनिट काम कंप्लीट कर दिया होगा? सिंपली 9 × 23. तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 27 हो जाएगा 207. मतलब 207 यूनिट तो काम अकेले बी ने कर दिया. कितने में से? 360 में से. राइट? तो 360 में से टोटल बी ने कितना कर दिया है? 360. तो दोनों मिलके कितना किए? दोनों मिलके किए होंगे तभी तो ये निकला होगा, तो कुछ काम बचा होगा. राइट? तो दोनों ने मिलके कितना किया होगा? तो सिंपली ये कितना आ जाएगा हमारे पास? टोटल कितना का? ए प्लस बी. टोटल कितना वर्क है हमारे पास? 360. उसमें बी ने उसमें से कितना कर दिया? 207. सिंपली ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360 माइनस 207. तो कितना बन जाएगा हमारे पास? माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 351. 153 यूनिट, मतलब 153 यूनिट काम जो है ए ने किया था. राइट? अब 150, लेकिन इतना यूनिट इसने काम किया है कितने दिन में किया है? हमें तो पता है उसकी इफिशियंसी 8 है. राइट? एक्चुअली इधर पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. ये जो हमारे पास 153 आ गया है वो किस, ये कितना आ गया? सिंपली हमारे पास ए और बी ने कितना यूनिट किया है? ए प्लस बी 153 यूनिट किया है. राइट? 153 यूनिट किया है. कितने दिन में किया है? तो दोनों की इफिशियंसी की हम ऐड कर देंगे. राइट? कितना एक दिन में कितना यूनिट करता है? 17 यूनिट करता है. राइट? तो ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट करता है? 70. करना कितना? 153. राइट? 153 17 यूनिट. तो कितना आ जाएगा? सिंपली हम कैंसिल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 79/53. मतलब ए प्लस बी ने जो काम किया साथ में कितने दिन में कितने दिन साथ में काम किए थे? तो 9 दिन साथ में का. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 डेज. मतलब ए को ए और बी ने, या फिर वैसे भी पूछ सकता था ए और बी ने साथ में मिलकर कितने दिन काम किए? तो 9 दिन. या फिर सिर्फ ए ने कितने दिन काम किया? तो भी 9 दिन. राइट? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. राइट? क्या ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क 30 डेज, बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क, मतलब वही काम को बी और सी मिलकर 24 दिन में करता है, और सी और ए मिलकर 20 दिन में करता है. दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दोनों ने साथ में काम किया 10 दिन. राइट? उसके बाद बी एंड सी लिफ्ट, हाउ मेनी डेज मोर विल ए टेक टू फिनिश द वर्क, मतलब बी और सी के जाने के बाद ए को कितना दिन लगेगा वो काम को ख़त्म करने में. राइट? तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है ए प्लस बी कितने दिन में करता है? ए एंड बी 23 दिन में. बी और सी कितने दिन में करता है? 24 दिन में. एंड सी एंड ए, सी एंड ए टू इन वर्क इन सी एंड 20 दिन में. राइट?
अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास टाइम है राइट। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना रहेगा, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसमें हम ऐसे नंबर फाइंड करेंगे, तो ये दो नंबर है उसको कंप्लीट डिवाइड कर दे राइट। तो इसमें 60 आता है, इसमें आता है, लेकिन इसमें नहीं आता है, 72 इसमें तो आता है, 120 तीनों में आता है राइट। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 120। तो इनका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया 120 हमारे पास टोटल वर्क राइट। तो इसकी एफिशिएंसी बी और ए, ए और बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा हमारे पास, 3×4=12। और इसका कितना आएगा, 24×25=20। इसका हो जाएगा हमारे पास 26×20, मतलब ये हमारे पास इनकी इफिशियंसी आ गई राइट। और क्या पता है, दोनों तीनों ने साथ में 10 दिन तक काम किया राइट। तो टोटल कितना यूनिट काम किया होगा, 4+5 4+16 मतलब 15 यूनिट काम किया होगा। लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इतना जो यूनिट किया तो सभी ने मिल के काम किया राइट। तो ये यूनिट कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इन्होंने कितना काम किया, टोटल 15 यूनिट काम किया राइट। तो टोटल कितना, सभी दो बन जाएंगे, तो 2×a+b+c=15 / 2। ये 2 नीचे चला जाएगा, मतलब वो दोनों एक दिन में 15/2 यूनिट काम करते, या फिर 7, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.5 यूनिट काम करते राइट। तो एक दिन में इतना करते। वहाँ पे हमारे पास जो इसके पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें ए बी सी था, इसलिए हम डायरेक्ट ऐड करते, लेकिन यहाँ पे हमने दो दो का जोड़ी दिया, इसलिए ट्वाइस हो जाएगा। तो इतना यूनिट काम इसने तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उन्होंने किया कितने दिन काम, 10 दिन। तो टोटल कितना यूनिट काम कर दिया उन्होंने, 75 यूनिट काम तो तीनों ने मिल के कर दिया राइट। किसने, ए बी सी ने कर दिया। तो 120 में से 75 काम तो तीनों ने मिलके करके, पूछा किसका, ए का राइट। तो हमें सबसे बच गया कितना काम, तो 120-75=2 कितना आएगा, माइनस करेंगे तो सिंपली हमारे पास 45 आ जाएगा। तो ये काम बच गया, तो ये काम हम किससे कराएंगे, पूछा किसका है, ए का पूछा है राइट। तो ए से निकालेंगे, तो ए के, ए को कितना दिन लगेगा, तीनों को लगते हैं कितने दिन, ए प्लस बी प्लस सी को लगते हैं इतना दिन काम करने को लगता राइट। उन्होंने 75 कर दिया, अब ए से कराना है। जब ए से कराना था, इसमें से ऐसा टर्म फाइंड करेंगे जिसमें ए नहीं हो, तो इसमें बी और सी है, ए नहीं, तो बी और सी 5 यूनिट काम करते हैं राइट। तो इसकी जगह पर हम 5 रखेंगे, ए प्लस 5=7.5। तो ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2.5। इतना यूनिट अकेला एक दिन में ए करता राइट। तो 45 यूनिट कितने दिन में ख़त्म करेगा राइट। तो इसको हम सिंपली निकाल लेते हैं, टाइम क्या होता है हमारे पास, टोटल वर्क अपॉन टाइम रहता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो ये का इफिशियंसी टोटल वर्क है 45, इसको लग रहा है इतना 2.5 यूनिट करता है। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 10 बन जाएगा, अब बिजली कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, तीसरे हो जाएगा 9×5=5। मतलब ए को वही काम ख़त्म करने में कितना दिन लगेगा, 18 डेज लगेगा। अगर हमें बी से, बी का पूछता तो हम बी का पता बता देते, सी का पूछता तो सी का बता देते, बी का पूछता तो हम ई आला रखते, 6 यूनिट रखते, 1.5 समथिंग आता राइट, एक दिन में उतना करता बी। सी का पूछता तो ये आला रखते हम। तो आई होप आपको ये सब समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, ए कैन डू पी सुबह को 16 डेज, बी कैन 36 और सी कैन डू 48 डेज राइट। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तीनों ने साथ में काम किया। आफ्टर 4 डेज ए लिफ्ट, 4 दिन करने के बाद ये छोड़ दिया। देन आफ्टर 5 डेज, उसके 5 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया। तो इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय सी, मतलब ए को बचा काम करने में कितना टाइम लगेगा राइट। तो सॉल्व करते, तो सबसे पहले ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, सी। ए को लगता है 16 दिन, बी को लगता है 36 दिन और सी को लगता है 48 डे राइट। तो हम ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 144 राइट। तो अब ये तो हमारे पास टाइम था, ये हमारे पास टोटल वर्क,
तो ये हमारे पास इफिशियंसी, राइट। तो इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा 9, और इसकी इफिशियंसी हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास 4, 6 × 24 और 120, हाँ ये 4 हो जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये इतना हमारे पास आ चुका है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर 4 डेज ए लिफ्ट, 4 दिन में ये ने काम खत्म कर दिया, मतलब ये को 4 दिन पहले खत्म कर दिया, मतलब टोटल कितना यूनिट, 36 यूनिट का काम किया होगा ये ने, एक दिन में 9 करता तो 4 दिन में 36 करेगा। उसके बाद के दे आफ्टर 5 डेज बी लिफ्ट, 5 दिन के बाद बी चला गया, तो इसको हम क्या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जब 4 दिन गया उसके अगले 5 दिन के मतलब 9वें दिन बी गया, तो इसको हम सिंपली 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 यूनिट तो काम बी ने, ए और बी, ए ने 36, बी ने 36 कर दिया, रिमेनिंग काम सी कितने दिन में करेगा। लेकिन जब ये दोनों काम कर रहे थे तो उसके साथ सी भी तो था, तो तीनों ने मिलके कितना काम किया, राइट। तो सी कितने दिन था टोटल, राइट, वो तो स्टार्टिंग से था, पहले 4 दिन ए के साथ था, फिर अगले 5 दिन बी के साथ था, मतलब वो भी टोटल कितने दिन था, 9 डेज, राइट। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 27, तो इतना यूनिट तीनों ने मिलके काम ख़त्म कर दिया, राइट। तो ये तीनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 72, और 72 प्लस 27 हो जाएगा हमारे पास 99, राइट। तो 99 यूनिट तो तीनों ने मिलके ख़त्म कर दिया, राइट, उतना यूनिट ख़त्म हो गया। तो हम टोटल कितना था हमारे पास 44, उसमें से 99 कर गया, अगर 100 भी जाता तो 44 बचता, लेकिन एक कम है तो उधर एक बढ़ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 45। इतना काम, ये अभी हम टोटल वर्क बचा हुआ है, और ये वर्क कराना किससे, हमें ये काम हमें कराना है सी से, क्यों, क्योंकि ये दोनों ने इसको छोड़ के चला गया, इस पर बोला तू ही कर काम, राइट। तो 45 यूनिट काम बचा। अब जो सी है उसका इफिशियंसी कितना, वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, राइट। तो सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, तो सी को कितना टाइम लगेगा, कैंसिल करेंगे तो 50, तो जो सी को टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, 15 डेज, राइट। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट, तो जो सी है 15 दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप, पहले क्या ये 4 दिन में ये गया, मतलब इसका तो ख़त्म, देन आफ्टर 5 मतलब वो 4 दिन के अगले 5वां दिन के बाद भी चला गया, राइट, मतलब 9वें दिन भी गया, ये डायरेक्टली नहीं बोला है, राइट। तो 36 काम उसने कर दिए, 36 टोटल में से 36 उसने कर दिए, और सी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, राइट, इसलिए सी का फाइंड करने के लिए बोला। तो यहाँ पे यही ट्रिक था कि उसने, सी ने भी 9 डेज साथ में काम किया है। आई होप आपको ये सब समझ गया होगा। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो, हम इफिशियंसी बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है उसके ऊपर सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।